मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में नवनीत राणा दंपति और शिवसेना के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नवनीत राणा के समर्थकों पर शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़ और केयर टेकर के साथ मारपीट का आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में 4 युवा स्वाभिमान कार्यकर्ताओं पर मामला भी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्यकर्ता नवनीत राणा दंपति को जमानत मिलने के बाद जश्न मना रहे थे और पहले इन लोगों ने शिवसेना कार्यालय के सामने आतिशबाजी की। इसके बाद शिवसेना कार्यालय के केयरटेकर के साथ मारपीट की। इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये 4 कार्यकर्ता नशे में थे। इनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। नवनीत राणा दंपति को बुधवार को ही मुंबई की सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोप में तहत 153A का मामला दर्ज किया था। बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था। और अब जमानत मिलने के बाद शिवसेना ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।